मैंने हिंदुस्तान के नौजवानों को यही मैसेज दिया कि हम एक साउंड बाइट सोसाइटी बनते जा रहे हैं और देशभक्ति सिर्फ लफ्ज़ों से आप जो है पूरी नहीं कर सकते, जब तक आप एक्शन ओरिएंटेड शख्स नहीं होंगे, जब तक आपके लफ्ज़ों में जो आप जो अच्छा जो प्रचार करते हैं वो आपके एक्शन में नहीं उतरता उसका कोई मतलब नहीं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ झंडे लहराने से आप इस मुल्क में तरक्की या अमन या एक वातावरण क्रिएट नहीं कर सकते। अपने फेलो ह्यूमन बीइंग आपके दूसरे जो देशवासियों के साथ में जुड़े रहना, उनकी तकलीफ में शामिल होना ही हमारा कर्तव्य है। मेरा ये मानना है कि भारतीय सिनेमा ग्लोबली अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, ये अगर आपको गलत फहमी है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है और जिस तरह हिंदुस्तानियों की संख्या विश्व में बहुत ज़्यादा होगी, जिस तरह भी वो अमेरिकन हमारे भाई थे उन्होंने समझाया कि हर दसवां शख्स एक नौजवान हिंदुस्तानी है, तो जाहिर है कि अगर हर दसवां शख्स हिंदुस्तानी होगा तो हिंदुस्तानी फिल्म देखेगा। मैं इसका मतलब नहीं है कि विदेशी जो जहन है उसमें हमने अपना एक छाप छोड़ा है, हम कोसों मील दूर हैं एक इंटरनेशनली रेलेवेंट फिल्म बनाने से, हम अब तक उससे वाकिफ भी नहीं हैं। देखिए, फिल्मों से आप एक माहौल बना सकते हैं, फिल्में जो हैं समाज के प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं दे सकती। हमको ये समझना चाहिए कि जब तक हम लोगों को एक्शन की तरफ नहीं धकेलें तब तक कुछ होगा नहीं। और मेरा प्रेशर जो है हमारे जो नौजवान में ये होगा कि आप बात करना छोड़िए, कुछ करना शुरू कीजिए। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.